उत्तराखंड के लिए टब मंगवाया था, जो पहाड़ों पे घर बन रहा है, तो वो टब आ गया है, वो दिखाते हैं, वो लेके आ रहा है प्रेम। वहाँ चलेगी थी गाड़ी? गाड़ी वहाँ चलेगी। अच्छा, तो गाड़ी से उसने नीचे भी उतार दिया था। अच्छा अच्छा, तो कह रहा भाई साहब मैं पैदल ही रखूँगा। अच्छा, तो दोबारा गाड़ी में रखा ही उसने। ये आ गया जी अपना टब। टब के अंदर ही बंदा है फिलहाल, वो भी चेक कर लेना। ये आ गया जी अपना टब। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स, हमने अपने चैनल का नाम रिफ्रेश से फैमिली फिक्स कर दिया है फॉर सम रीजन। और यहाँ पे पापा आ गए हैं पहाड़ों से और फिर ये जाने की तैयारी कर रहे हैं। और ये देखो गाइस, हमारे पास भी पैसे आ गए हैं। ये चलता भी है और चलते भी है ना। सो हमने माइक ले लिया है अपनी यूट्यूब मनी से। हमारी यूट्यूब मनी से हमने माइक ले लिया है। ये अभी अभी हम प्रोफेशनल लग रहे हैं। ये क्योंकि कई लोगों ने कहा भी था कि आवाज़ जो है वो साफ नहीं आती कई बार, तो हमने कहा चलो माइक ले लेते हैं। तो हमने माइक खरीद लिया था और मैं जा रहा हूँ फिर उत्तराखंड, क्योंकि घर बन रहा है वहाँ पे, तो सामान चाहिए था। तो कुछ सामान मैं दिल्ली से लेके जा रहा हूँ, जो कि मुझे सस्ता भी पड़ेगा और क्वालिटी भी मिल जाएगी। वहाँ पे सामान मिलता नहीं है पहाड़ों में ऐसा। तो मैंने कुछ टॉयलेट सीट वगैरह और टब, बाथरूम का सामान बेसिकली मैंने लिया है यहाँ से। बाथटब भी लगाएंगे, जब लगेगा तो आपको दिखाएंगे। तो अभी ये है कि मुझे सामान लेके जाना है। अब सामान है ज़्यादा और जगह है कम, और पिंकी भी मेरे साथ जा रही है। पिंकी ना होती तो मैं आगे वाली सीट भी यूज़ कर लेता, सामान रख लेता। तो फिर उनको मना कर दो। मुझे मना किया तो पता है आपको क्या होगा। तो सामान भी लेके जाना है, पिंकी को भी लेके जाना है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ किसी तरह सामान आ जाए टेढ़ा मेढ़ा करके और सेफ भी पहुँचे। देखते हैं क्या होता है और कल निकल जाऊंगा मैं सुबह। गुड मॉर्निंग। तो आज हम आ गए थे उत्तराखंड, कल चले थे दिल्ली से, तो शाम को पहुँचे काफ़ी लेट, क्योंकि एक तो बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा और सारे रास्ते बारिश आती ही रही है। मतलब प्लेन्स में नहीं थी, पहाड़ों में ज़्यादा थी बारिश। तो कल से बारिश हो ही रही है, अब भी देखो ये बूंदाबांदी हो ही रही है थोड़ी थोड़ी। ये देखो मौसम, देखो पूरा एकदम कोहरा छाया हुआ है ना, और घास कितनी ग्रीन हो गई है, बिल्कुल सारी जगह ही ऐसी हुई पड़ी है। पहले तो थोड़ा सूखा सूखा सा लगता था, अब तो बिल्कुल जो भी देखो, जिस भी जगह को देखो, सब ग्रीन हुआ पड़ा। अब पहाड़ तो दिखेंगे नहीं क्योंकि पूरा फोग है। ये हम दिल्ली से सामान लेके आए थे जो पूरी गाड़ी में ही रखा हुआ है अभी, क्योंकि एक तो बारिश आ रही थी और जहाँ निकालना था वहाँ से डिस्टेंस था थोड़ा कि पैदल चलना पड़ेगा, तो गाड़ी से निकाल नहीं पाए क्योंकि बारिश थी, भीग जाएगा सामान, तो गाड़ी में ही रखा हुआ है अभी। देखो पीछे गाड़ी फुल हुई पड़ी है, क्योंकि यहाँ एक तो सामान ढूँढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ एक मार्केट है टनकपुर, तो लेकिन उतनी बड़ी मार्केट नहीं है कि जो सामान वैसा मिल सके जैसा हमें चाहिए था, तो हम दिल्ली से ही ले आए फिर। ये देखो एक चिड़िया बनाती है ये घोंसला, ये देखो मुझे देख के डर के चली गई। तो ये बनाती है, देखो ये लाइट के ऊपर इसने बना रखा है, ये आ गई है ना।
तो ये ऐसे ही मिट्टी का बनाती है, ये मिट्टी है सारी, गीली मिट्टी लाती है थोड़ी थोड़ी चोंच में और इसे पूरा घर बना देती है। और ये यहाँ पे ये वाली चिड़िया लगभग सभी घरों में ही होती है ये, और ऐसे ही बनाती है घोंसला, बहुत घरों में देखा है हमने। और वो भी जो लोग हैं यहाँ के वो तोड़ते नहीं इसका घोंसला, जहाँ बनाती है वैसा रहने देते हैं। और मैं नहा के तैयार हो गया था, पिंकी ने भी नहा लिया, अब खाना बना लिया, वो नाश्ता करके फिर चलेंगे ज़मीन पे। की बनाया परांठे आलू वाले, इतने वो दूजा बल्ब ला दिया इन्होंने, इधर लगा हुआ है, पहले आ वाला इधर सी। ये जी आलू के परांठे, आलू के नहीं सब्जियां वाले कद्दूकस करके। अच्छा, ये जो सब्जियां सारी मिक्स करके कद्दूकस करके उसका बनाया है, मैंने सोचा आलू का है, लग ऐसे रहा था। तो आज परांठे खा के चाय पी के फिर चलते हैं ज़मीन पे, देखते हैं कि काम क्या हुआ है और आपको अपडेट देंगे कि काम कितना हुआ है। वैसे मोटा मोटा मैं बता देता हूँ कि एक तो जो लेंटर है घर के ऊपर वो डल गया, और लेंटर के बाद वो होता है ऊपर शेड डलनी है इसके, क्योंकि ऊपर लॉफ्ट बना है, बच्चों ने लॉफ्ट बनवाया है अपने लिए, तो वो लॉफ्ट के ऊपर शेड आएगा एक जो लोहे का आएगा, और उसके नीचे लकड़ी लगेगी सारी, पैक हो जाएगा, तो वो अभी रहता है, वो शेड रहता है। और आज बिजली वाला आ जाएगा, वो अपनी फिटिंग के लिए वो जगह बनाएगा, झिरी वगैरह काटेगा, पाइप लगाएगा, और कल आ जाएगा प्लम्बिंग वाला, तो ये दोनों काम दो तीन दिन में निपट जाएंगे, और शेड वाला है जो वो कुछ दिन लगाएगा। तो जैसे ही कंप्लीट होता है तो उसके बाद फिर प्लास्टर होगा, फिर नीचे टाइल्स लगेंगी, फिर ऊपर छत पे वुडन लगेगा। तो अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा, लगभग एक महीने में तो ये कंप्लीट हो जाएगा, शेड वेड ये सारा कुछ 15-20 दिनों में, और प्लास्टर वगैरह करके एक महीना लग जाएगा, और एक महीने के बाद फिर फिनिशिंग होगी, जो दरवाजे खिड़कियाँ और बाकी अंदर का सामान, बेड सोफ़ा जो भी लगना है। तो कोशिश करेंगे जितनी जल्दी बन जाए, लेकिन बारिश की वजह से ना थोड़ा लेट हो रहा है काम, क्योंकि बारिश डेली हो रही है डेली। तो बारिश में आपको पता है बाहर का काम तो हो नहीं सकता, क्योंकि अभी शेड नहीं है ऊपर उसके, है ना। जब शेड लग जाएगा उसके बाद अंदर का काम हो पाएगा, लेकिन बारिश में आना जाना मिस्त्रियों को, मजदूरों को, या जो भी कारीगर है उसको आने जाने में भी दिक्कत है ना, तो बस इसी वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है, नहीं तो अब तक का कब का बन गया होता। अभी देखो कल रात को आए थे ना, तो सामान ऐसे ही रखा हुआ है सारा, एक बार सारा ऐसे ही रख दिया था हमने। तो अभी इसको थोड़ा खा पी के खेत थोड़ा सेट करेंगे। चाय बन गई जी हमारी, चाय पराठा, तो यहाँ पे बैठ के खाएंगे बाहर, थोड़ा आनंद लेंगे प्रकृति का भी। दो एक और लानी पड़ेगी, टेबल तो निकाला नहीं, टेबल पे भी सामान रखा हुआ है, तो अभी चेयर पे बैठ के खाएंगे, इसी पे ही रखेंगे, एक चेयर पे रख लेंगे खाना, यहीं खा लेंगे। अच्छा अम्ब दा कटला, अम्ब कल केड़ा खोलिया होया सी, तू नहीं पीनी चाह?
मीठा नहीं पाया, चीनी डाली नहीं। खाना हमने खा लिया लेकिन ये बारिश नहीं रुक रही, देखो आए जा रही है। हम सोच रहे थे कि वहाँ चलें ज़मीन पे, देखें अपने कॉटेज को, लेकिन यहाँ पे बारिश ही नहीं रुक रही। बारिश के मौसम में आओगे तो बारिश तो आएगी, ये तो पता ही था। हाँ लेकिन एक आध दिन रुक तो जाए। देखो बारिश के मौसम में इसलिए कहते हैं कि आना नहीं चाहिए, ट्रैवल नहीं करना चाहिए। अब आपको यहाँ पे पहाड़ थे सारे, है ना, अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे ही रोड पे जाके, ये तो ग्रीन है ना इसलिए आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो अगर रोड पे चलोगे तो थोड़ी दूर के बाद वो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। और पहाड़ों पर ड्राइव करना बिना देखे अंदाजे से तो वो तो ख़तरनाक ही है ना। तो अभी थोड़ा सा वहाँ जाके दिखाता हूँ, मैं छाता लेके जाता हूँ, रोड दिखाते हैं कैसा दिख रहा है इस टाइम। लो जी अब दिखाता हूँ मैं आपको कि कितना दिखता है, विजिबिलिटी कितनी है। ये तो अभी थोड़ा कम लग रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा फोग हो जाती है, ये गेट तक नहीं दिखता, बहुत कम दिखता है वहाँ से घर से। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान में ही है, बस आगे पीछे कुछ है नहीं। वो देखो फॉग, अभी तो बारिश है ना, थोड़ी सी फॉग कम लग रही है। जैसे ही बारिश आने वाली होती है ना, जब उस टाइम बादल जो आते हैं तो एकदम से आते हैं और इतने घने कि रोड दिखाई नहीं दे रहा। अभी तो फिर भी दिखाई दे रहा है, अब तो क्लियर दिखाई दे रहा है, इतना ड्राइविंग के लिए तो ठीक है। लेकिन कई बार जैसे ये रेलिंग लगी हुई है ना तो यहाँ तक भी देखना मुश्किल हो जाता है, जैसे धुंध में होता ही है अपने प्लेन्स में भी। कुछ नहीं दिखाई दे रहा, पहाड़ तो दिखाई दे ही नहीं रहे, सिर्फ ये है कि रोड दिखाई दे रहे हैं। और ये वाइट पट्टी अगर ना हो तो फिर दिक्कत होती है चलने में, अभी तो ठीक दिख रहा है। अभी जब फोग आएगी ना फिर मैं आपको दिखाऊंगा। देखो वहाँ से तो थोड़ा यहाँ पे सरवाइव करना थोड़ा सा मुश्किल होता ही है ना, क्योंकि वहाँ सब चीज़ें अवेलेबल हैं हमारे पास शहरों में, जो भी चीज़ चाहिए बस निकलो घर से और लेके और वापस। और यहाँ पे तो फिर भाई आपको ढूंढना पड़ता है बहुत दूर दूर तक, काफ़ी दूर जाना पड़ता है ट्रैवल करके फिर सामान लेके आना पड़ता है। लेकिन मौसम जो है, मौसम का मज़ा है यहाँ पे कि वहाँ जैसे अब गर्मी है ना, एसी चलाना पड़ता है। यहाँ पे तो पंखा भी मुश्किल से, जब धूप हो तब पंखा चलता है, और जैसे ही शाम होती है या सुबह सुबह तो पंखा बंद ही करना पड़ता है। लेकिन पंखा भी इसलिए कि थोड़ी सी हुमस होती है ना बारिश के टाइम पे, तो थोड़ा सा, नहीं तो थोड़ी देर में अगर आप घर पे बाहर से आए हो चल के, थोड़ी देर महसूस होता है कि पंखा चाहिए, थोड़ी देर के बाद फिर ठंड लगने लगती है तो पंखा बंद ही करना पड़ता है। तो मौसम अच्छा है, बढ़िया है। देखो बादल आना, फिर से थोड़ा थोड़ा और बादल आना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे उस टाइम वो था ट्रैक्टर जब ऊपर से आया था, वो आपने वीडियो देखी होगी, अपने आप चल के आ गया था ट्रैक्टर, वहाँ खड़ा हुआ था ऊपर रोड पे और अपने आप स्टार्ट हुआ, कोई बंदा नहीं उस पे, और सीधा इस रेलिंग से, रेलिंग तो थी नहीं उस टाइम, ये बाद में लगवाई है इसीलिए, तो ये ऊपर से सीधा आया यहाँ आके रुका इन एंगल्स के पास।
तो उस दिन तो बच गए, हम भी यहाँ से बस क्रॉस हुए थे तो उसी टाइम ऊपर से आ गया, लेकिन बच गए उस दिन। तो अब रेलिंग लगा दी, अब इतना खतरा नहीं है कि ऊपर से कोई चीज़ आ जाएगी। बारिश रुके तो हम जाएं। ये देखो ये सूजी का हलवा। हम जमीन पे जाएंगे ना अपने कॉटेज पे, तो वहाँ फिर बीच में भूख लग जाती है जैसे, तो लंच तो लेट होगा, बीच में अगर भूख लगती है तो ये खा लेंगे, इसलिए हम ये हलवा बना रहे हैं। यहाँ बारिश है, भूख ज्यादा लगती है, ठंड है ना, तो फिर सॉलिड ही खाना हो तो ज्यादा टाइम कभी बंदा टिक पाता है, तो बार बार भूख पे ध्यान, और पच भी जाता है ना यहाँ पे, नहीं तो पचता नहीं है गर्मी में, तो यहाँ ठंडा तो पच जाता है। देखो इस मौसम में कोई पंखा नहीं चल रहा, कुछ नहीं, खैर अब तो लाइट ही नहीं है, तो सही है मौसम, ठंडक है, पंखे की ज़रूरत है ही नहीं। ये भी पंखे हम दिल्ली वालों को ज़रूरत होती है, जो यहाँ वाले हैं, यहाँ वाले तो पंखा लगाते ही नहीं हैं। ओ मेरी छतरी कहाँ उड़ गई, अरे अंदर से गीली हो गई, मैंने तो ऊपर से सुखाने के लिए यहाँ रखी थी, वो हवा से कि खुली हुई थी ना, हवा से उड़ गई, ऐसे रखी थी और भाग गई वहाँ। आज तो बारिश रुक नहीं रही, तो कल मिलते हैं फिर, वहाँ जाके दिखाते हैं आपको कि कितना काम हुआ है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।